गाना गाना पड़ेगा सर आपको यहाँ पर। ओ मेरी मेरी सौर चाबी। घर में घर में बजे घर में देखो चली गई। इतना भाई यार इतना बेसुरा बजाया। माय गॉड ये तो हैकर निकला। कॉस्को में आके हैकिंग कर। बारी बारी बंद कर दो यार। चलो तो ताजी ताजी अपडेट ये है कि नवरात्रि खत्म हो गई, बाल कटा लिए, बहुत दिनों से ये थोड़ा हेडेक हो गया था। अभी आकाश कातिवाल जी, अरे स्प्रे 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 इतना स्प्रे, आकाश कातिवाल जी ने अभी घर मूव किया है तो उसने बोला कि घर के लिए थोड़े बहुत सामान लेने, तो मैंने बोला कि जहाँ भी जाना मुझे लेकर जाना, तो हमारे कॉस्को में। और आज हम कॉस्को में शॉपिंग के बारे में नहीं बताएंगे क्योंकि शॉपिंग के कॉस्को के ब्लॉग्स बहुत बना दिए। आज हम दो चार चीज़ें के डिस्कशन करेंगे, वो क्या होगा मुझे भी नहीं पता, आगे जाके बताते हैं। कॉस्को अपने वहाँ का कालूपुर था ना, लाल दरवाजा। हाँ कालूपुर और लाल दरवाजा सब लोकेशन ऐसी कि चलने की जगह नहीं मिलती थी, बच्चे बहुत खोते थे। तो अगेन यहाँ पे भी है ना, लोग अपने बच्चों को लेकर नहीं आते क्योंकि घूमने की जगह नहीं है। कितना सामान लेना है लगता है, पूरे महीने का सामान आज ही लेने का। वाली ले लिए, देखते हैं हम लोग कितना बढ़ते, ऐसा एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं जाते। तो कॉस्को आओ तो मस्त वाली गाड़ी लेकर आओ कि सामान भर के ले जा सको, और एक कार्ड लेकर आओ। तो अब ले ही लेते मैकबुक लेने का, मैकबुक लेने का, एयरपोड्स, एक आईपैड 14 प्रो मैक्स। अरे 14 प्रो मैक्स देखते हैं यहाँ आ गया कि नहीं, क्योंकि बहुत से लोग प्राइस पूछते ही रहते हैं। तू भी आ खतरे करते हैं। ये बंद हो गया, बंद है, चार्जिंग नहीं है। अभी कमांड डाल के लैपटॉप हैक कर रहे हैं। कौन सा कमांड दिखा रहे? देख कलर चेंज आ गया। इसने कुछ कमांड डाला है जो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ये सीक्रेट है। अभी इनका वाईफाई का पासवर्ड निकाल दो। ओह माय गॉड ये तो हैकर निकला। कॉस्को में आके हैकिंग कर। इनको पता चलेगा तो अलार्म बजेगा। भाई मैं नहीं जानता इसको, मैं जा रहा हूँ। ये इनका वाईफाई नेटवर्क है। कौन सा? स्टीवन आईफोन। इसमें अभी तक इसने कनेक्ट किया हुआ है इसके आईफोन को, देखते हैं क्या होता है। ओके देखते हैं। दिल थाम के बैठिए, मेरे तो धक धक हो रहा है। देख पीछे आ गए उनके लोग, अपने को निकालेंगे। जैसे ही उनके लोग आ गए, बस खाली उनको क्लियर हो जाए कि ये स्टीवन आईफोन इज नॉट फाउंड ऑन द सिस्टम। देखो स्टीवन भी दिमाग वाला आदमी। हाँ भाई चल तू, मेरे को दग दग हो गया, अब मैं आगे नहीं रह सकता इधर। इनके लोग हो ना तब ऐसे करने का कि मैं तो चेक कर रहा था, लोग घबरा गए। इनकी लैपटॉप चालू है कि नहीं? भाई चालू ही है। Do you have 14 Pro Max available? 14 Pro Max, it's not going to be available. Until the end of the month. बोल रहा है कि अभी आपको महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। फ्रेंच में बात करा करो। तुझे ऐसे नहीं बताना उनकी, तुझे फ्रेंच नहीं आती तो तुझे ऐसे बोलना है पार्ले वो ऑंग्ले, उसका मतलब डू यू स्पीक इंग्लिश, तो बोलेगा अभी अगर उसे आती होगी तो सीधा वो इंग्लिश पे ही आ जाएगा कि या यू कैन स्पीक। अगर नहीं आती होगी तो फ्रेंच में ही बोलता रहेगा सिल वू प्ले दिस वाले। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? समय रहते उस जगह से निकल जाना चाहिए। सस्ता नहीं है भाई, ये महंगा होगा। नहीं इसमें मोबाइल नहीं कनेक्ट करने वाला है, अकेला उड़ेगा बस। कितने का है? कितने का है? ओ माय गॉड $90 का है भाई। लेकिन है ना, अब इसका वेट 250 ग्राम से ज्यादा हुआ ना तो कनाडा में नहीं उड़ा सकते। 250 ग्राम से ज्यादा के लिए परमिशन लेनी पड़ती है कि अगर ड्रोन उड़ाना हो तो। प्राइम अकाउंट होगा तो डिलीवरी भी फ्री होगी। तो अमेजोन पे सस्ता मिल रहा है ये, यहाँ पर 90 का दे रहे प्लस टैक्स लगेगा। यहाँ पर अमेजोन पे कितने का है? 54 प्लस टैक्स, इसे प्लस डिलीवरी फीस भी लगा के 60-70 होगा मैक्सिमम। कॉस्को सही है नहीं लेने का? सस्ता क्यों? ये लॉजिक तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा है। इसमें कुछ तो प्रॉब्लम होगा या फिर टॉय ड्रोन होगा। मेड इन चाइना। आपकी कला दिखाओ। इधर मैं एडिट कर दूंगा एक सॉन्ग, तू एक्ट कर अच्छे से। रहने दे, कोई एक्टिंग नहीं आती। देखो चली गई। इतना भाई यार इतना बेसुरा बजाया। घर में बजे घर में बजे घर में बहुत अच्छे बजाया घर पर। आपको $60 की मेंबरशिप ना लेनी हो तो फिर इधर कॉस्को आओ अपने दोस्त के साथ, और एक $25 का $20 का गिफ्ट कार्ड आता है, बस वो ले आओ। और जब आप एंटर करोगे उनको वैसे दिखा देना, और उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती।
क्या वो यूज कर सकते हो? मेरे साथ है ना जॉब पे गर्वित, उसने भी है ना कुछ ऐसे ही किया, उसका 120 वाला था, उसको 50 या 60 डॉलर गिफ्ट कार्ड का मिला एंड कुछ उसने बोला कि ऐसा दो चार चीजें बताई जो मुझे समझ नहीं आई, दैट्स व्हाई आई एम नॉट शेयरिंग गलत इन्फॉर्मेशन, बट द थिंग इज कि उसको 10 डॉलर में पड़ गया। तो क्रिसमस आने वाला है इसीलिए क्रिसमस की भी सारी चीजें यहाँ पर रख दी गई है। 250 डॉलर वाली क्रिसमस ट्री मिल गई रास्ते पे से ही। यहाँ पर अगर उनको है ना मूव होने का है, घर बदलने का है, तो वो लोग है ना अपने घर का सामान बाहर रख देते, जो कि बहुत अच्छा होता है कई बार, और वो चालू कंडीशन में थी, हमने लास्ट ईयर ली थी वो भी ऐसा ही था, इस साल भी मिल गई, जबरदस्त चीजें मिलती जाती है ना। कैश लेकर आया? नहीं, कार्ड। मास्टर कार्ड है? मतलब कॉस्को में आपको पेमेंट के लिए कैश या मास्टर कार्ड मैंडेटरी है, क्रेडिट नहीं लेते हैं। हाँ नहीं, डेबिट भी नहीं, मास्टर कार्ड होना चाहिए, लाइक मास्टर कार्ड का येलो एंड वो रेड वाला सिंबल होना चाहिए, वो है ना। अंगूर खट्टे हैं, देखते हैं पहले। ऐसे अपने इंडिया में तो करते ही है, तो खा लेने का, खा के देख लेने का, भाई विश्वास होना चाहिए ना, कस्टमर ट्रस्ट नहीं है खट्टे नहीं लेने का कॉस्को से। कॉस्को वाला किसी ने देखा ना ब्लॉग तो बोले कि तू नेगेटिव मार्केटिंग करने आया था, दिख ऐसे रहे ना। ऑस्ट्रिच के अंडे इतने छोटे कब से होने लगे? ऑस्ट्रिच होता है इतना? सांप के अंडे आए, सांप के अंडे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, तो खा के देखते हैं। स्ट्रॉबेरी न्यूटन लेके अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में जाने का है। कॉस्को की ट्रॉली मजबूत है। अब तुम लोग इधर बुजुर्गों की तरह क्यों बैठ गए? चलो भाई शॉपिंग करना बाकी है। दादा मुझे देख के बोल रहे हैं कि क्या कर रहा है भाई, मेरा काम है ये करना। ओहो हो, क्या टीवी दिखा है। तो ये है एलजी की वो टीवी, एकदम थिनेस्ट टीवी है। कितनी पतली है, इससे ज्यादा मोटा तो फोन होता है। तेरा आईफोन निकाल के इधर बाजू में रख के दिखा। देखो आईफोन 13 वर्सेस एलजी। ओ ए टीवी बंद कर दे, वी डोंट नो दिस गर्ल। अरे टच स्क्रीन नहीं है ना। अरे टच स्क्रीन नहीं है तो नहीं लूंगा मैं। इतनी सारी टीवी को देख कर लग रहा है कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के गोडाउन में आ गए। देखो लेने के लिए तो मैं टीवी ले लूँ, लेकिन क्या फिर उसके बाद घर लेना पड़ेगा मुझे। फिर उसके बाद मेरे को क्या एज ए प्रॉपर्टी पसंद पड़ी, इसलिए मैं ना टीवी वगैरह पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा। 14 प्रो मैक्स नहीं है। एयरड्रॉप क्या कर रहा है तू? मैं भी फ्रेंच है, इधर लिखा हुआ भी फ्रेंच भाई, अपने फ्रेंचिस्तान में। स्पीकर का टेस्टिंग करते हैं। अच्छा, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? गाना गाना पड़ेगा सर आपको यहाँ पर। हेलो हेलो, ओ मेरी मेरी सौर जबी, टिंग 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 टिंग। अभी अनाउंसमेंट करेंगे, क्या अनाउंसमेंट करना है? आज नो नास्तो नंबर। हर बार की तरह कॉस्को में दोबारा हम लाइन में आधे घंटे तक वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ हर किसी के पास ट्रॉली भरी रहती है और है ना बिलिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, और हम भी यहाँ पर अभी टाइम पास करेंगे, थोड़ी देर इधर उधर बातें करेंगे। कॉस्को की डेली सेल ही बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि है ना हमारे जो मैं जिस ग्रोसरी स्टोर के अंदर काम करता हूँ एज वेल एज पिज्जा स्टोर में काम करता हूँ, वहाँ पर है ना सब जगह का सामान कॉस्को से ही आता है। कंडीशन ये है कि आपको ना बल्क में सब उठाना पड़ेगा, और कॉस्को के पोतीन खा कर ही जाने का जब भी आने का। इतना सारा सामान मेरा और तुम्हारा इतना ही है, हर बार की तरह मैं सामान दिलाने आया था और लिया मैंने, तो मैं जाता हूँ किसी के साथ वो शॉपिंग करने वाला होता है, मैं ले लेता हूँ सामान यहाँ से ऑर्डर देने का और फिर वहाँ जाके ले लेने का। दाढ़ी पे भी इसने कुछ लगाया हुआ है। हम लोग जब लास्ट टाइम आए थे ना तो पुतीन खाया, फिर हमने पुतीन की रिसिप्ट और है ना शॉपिंग की रिसिप्ट सब गार्बेज कर दी, फिर बाहर निकले तो वो रिसिप्ट मांग रहे थे, फिर हम लोग गार्बेज में से जाके वो रिसिप्ट ढूंढ के लाए, क्योंकि पता था वो पुतीन हमारी है, उसके अंदर ही रखा था, फिर पुतीन वाली रिसिप्ट उसको दी, फिर बोली हाँ अब विश्वास हो गया, जाओ जाओ। बहुत ही अच्छा वेदर है, बहुत बेस्ट है, सनसेट हो रहा है और 17 डिग्री टेम्परेचर है, ना ही ठंडी ना ही गर्मी, पसीना भी नहीं हो रहा है और ठंडी भी नहीं लग रही। आप गलत दिशा में जा रहे हो, आप लेफ्ट साइड जा रहे हो, इंडिया नहीं है, इधर राइट साइड में चलना पड़ता है कनाडा में। अब अगला चैलेंज ये है कि ये सारा सामान गाड़ी की डिक्की में आएगा। गाड़ी की डिक्की बहुत बहुत बढ़िया, आने दो। अरे वो पीछे क्यों आने दे रहा है? अभी हम आ गए डॉलरामा में। इंडिया में गार्बेज के लिए डब्बा होता था, यहाँ डोल में नहीं कर सकते, इधर ना बैग लेना पड़ता है, उसमें भी कितनी वेराइटीज है, फ्रेगनेंस वाली, फ्रिज्बी वाली, फ्रिब्स वाली, कौन सा था,
अब इसमें ब्लैक व्हाइट ब्लू सारे कलर। हैलोवीन आ रहा है और उसके लिए ये सारी चीजें यहाँ पर रखी हुई है। हैलोवीन एक तरह से श्राद्ध है जो मनाया जाता है, ये लोग पूर्वजों को याद करते हैं, लेकिन इनका अलग ही डरावना तरीका है। हेलो, क्या है ये? ओह माय गॉड, हाथ भी है, हाथ है, फिर ये पैर है, किसी किसी को ऐसे मारने का मुंह पे। अलग अलग तरह के मास्क है यहाँ पर। बाल कहाँ गए? हेलो हेलो गाइस, ये बाल लगाने के लिए? ठीक है, नकली खून। त्रिशूल रखते थे। त्रिशूल कहाँ है? ये डेविल को मानते हैं लोग। अच्छा हाँ, डेविल वाले सिंबल में नहीं, त्रिशूल होता है ना। ये देख, चोट लगाने के लिए नकली खून, नकली वगैरह सब कुछ है। फेक ब्लड। पीछे ही आंटी खड़े हैं। हम रिस्क लेंगे, हम प्रैंक करेंगे सर। हाँ, उनको बोल के चूहा वो भागेंगे। अच्छा ये वो होता है ना, मेरे को पता है, इंडिया में ना मेरे वो कजिन सिस्टर मेरे को उसने दिया था, क्या बोलते इसको? सिंगल नहीं मिला तो चार का बॉक्स लेकर आया, बचपन तेरा गया नहीं। एंड ऑफ द डे ग्वाड़िया जी ने हमें आज 10 रुपए पे इनवाइट किया था, जलेबी फाफड़ा। जलेबी तो है नहीं, लेकिन इन्हें फाफड़ा खिलाने के लिए इनवाइट किया था। फाफड़ा गरीब। और क्या था, और क्या बना के खिलाने वाला तू? आज पुल्ला बनेगा। और फिर ये है जूस। तो अब यहाँ पर आज का व्लॉग खत्म करते हैं, तो फिर मिलते हैं, बाय। मुझे तो लगता है पलटेगा। पलटा हो वैभव? क्या पलटेगा? पलटेगा। वाह हाय हाय हाय।